मेडिटेशन को हमने करना कैसे है, तो ऑल ऑफ यू जो बैठ सकते हैं दे सिट स्ट्रेट, जिनको बैठने में किसी तरह की भी दिक्कत है, बैक इशू है, कोई और प्रॉब्लम है, दे लाई डाउन ऑन द बेड, ठीक है? तो जो बैठ सकते हैं वो बैठ के करेंगे, जिनको बैठने में दिक्कत है वो लेट के करेंगे। अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, जब लेटोगे तो ऑटोमेटिकली स्पाइन स्ट्रेट होगी, बैठोगे तो आपको थोड़ा सा अगर बैक में इशू है तो पीछे बैक लगा सकते हो, कुछ सपोर्ट रख सकते हो और सपोर्ट रख के स्पाइन स्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है? 3 बार मैं ब्रीद इन और ब्रीद आउट करवाऊंगी ताकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए, बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। उसके बाद मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी, जो इंस्ट्रक्शंस जैसे जैसे मैं दूंगी वैसे वैसे आपने फॉलो करनी है। जब एक बार मैं बोलूंगी कि अब थैंक यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, या जो हमारी मेडिटेशन है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद हमने सेकेंड पार्ट ऑफ मेडिटेशन जो है हमारा मदर अर्थ को हीलिंग, कल्कि को पावर, अर्जुन एनर्जी को अवेकन करना, कल्कि सेना का आगे बढ़ना, वो वाली मेडिटेशन हमने करनी है। या इफ़ यू आर नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, दैट मेडिटेशन यू डू इट और दैट यू थिंक अबाउट टू मैनिफेस्ट, ठीक है? चलो मुझे बताओ इफ वी आर रेडी फॉर इट एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेडिटेशन। मैं सिंगिंग बाउल यूज करूंगी बीच बीच में सो दैट एनर्जी फ्लो रहे एक, और अगर बीच में मैं कुछ इधर उधर बोल दूं, कीप डूइंग योर मेडिटेशन, ओके? चलो लेट्स स्टार्ट। स्टैंडिंग पोजिशन इज नॉट द बेस्ट फॉर मेडिटेशंस बिकॉज आपने आंख बंद करनी है, आपने अपनी इनर एनर्जी से कनेक्ट करना है, तो व्हेन यू आर स्टैंडिंग एनर्जी फ्लक्चुएशंस होती हैं, चक्कर आ सकता है। तो आई विल सजेस्ट इफ यू कैन सिट एंड डू इट रादर सिट और लाई डाउन। रेडी? नो डाउट्स? ओके चलो लेट्स देन डू इट। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब आपने 3 गहरी सांसें लेनी है। जब मैं ब्रीद इन करूँ बोलूँगी तो सांस अंदर लेनी है, जब मैं स्टॉप बोलूँगी पॉज बोलूँगी तो सांस रोकनी है, और जब मैं ब्रीद आउट बोलूँगी तो सांस छोड़नी है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ब्रीद इन, सांस अंदर लीजिए, होल्ड, ब्रीद आउट। ट्राई करना है, आपने नाक से ब्रीद इन करना है, मुंह से ब्रीद आउट करना है, ठीक है? लेट्स डू इट अगेन। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी फिजिकल बॉडी पे ले आइए और अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। Just feel the flow of energy in your body. अब अपने पूरे ध्यान को अपने पैरों और लेग्स पे ले जाइए और धीरे धीरे अपने पैरों को, अपनी लेग्स को, काफ मसल्स, नीज, बैक ऑफ योर नीज, थाइस, सब को रिलैक्स कीजिए। फील द फ्लो ऑफ एनर्जी आपके पैरों के टोज से लेकर आपके पूरी लेग्स में, एक ब्यूटीफुल वाइट लाइट जो हीलिंग है, जो एनर्जेटिक है,
उसके फ्लो को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप इस हीलिंग को अपनी लेग्स में, अपने जॉइंट्स, मसल्स, बोन्स सब में फ्लो करते हुए महसूस कीजिए। आपकी लोअर बॉडी, आपकी लेग्स, थाइस, बटक्स, नीज, काफ मसल्स, फीट, टोज सबका थैंक यू कीजिए। ये कारण है कि आप खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं, जिंदगी के बहुत सारे काम कर पाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले पाते हैं। इन सबका धन्यवाद कीजिए। And bless them with healing and beautiful flow of energy. उस energy को, उस healing को अपनी lower body में flow होने दीजिए और इस flow को, इस healing को धीरे धीरे महसूस कीजिए। अब इस हीलिंग और फ्लो को धीरे धीरे अपने अपर बॉडी की तरफ ले आइए। आपके जेनिटल्स, लोअर स्टमक, अपर स्टमक, आपकी बैक, टेल बोन, लोअर बैक, अपर बैक, जस्ट फील द फ्लो ऑफ एनर्जी। सेम ब्यूटिफुल वाइट हीलिंग लाइट यह आपकी पूरी बॉडी में, आपके स्टमक, आपके बैक, आपकी स्पाइन, लोअर अपर स्टमक, इनर ऑर्गन्स सब में फ्लो कर रही है। अपने शरीर के सारे अंगों का धन्यवाद कीजिए, अपने स्टमक का धन्यवाद कीजिए, इसके बिना आप कुछ डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का धन्यवाद कीजिए, जो भी ऑर्गन्स आपके बॉडी में काम कर रहे हैं उनका धन्यवाद कीजिए। अपनी बैक, अपनी स्पाइन का धन्यवाद कीजिए। इस वाइट हीलिंग लाइट को अपने टॉर्सो में, अपने स्टमक के एरिया में, लोअर बॉडी में, टो नेल से लेकर आपकी बैक और आपका स्टमक यहाँ तक इस हीलिंग को महसूस कीजिए। इस वाइट लाइट को फ्लो करने दीजिए। अब धीरे धीरे इसी एनर्जी को, इसी वाइट लाइट को आप ले जाइए अपनी चेस्ट पे। आपके शोल्डर्स, आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, थंब इस फ्लो को महसूस कीजिए। सारे जॉइंट्स पे, इनर ऑर्गन्स पे इस हीलिंग को फ्लो होता हुआ देखें। अपनी कंप्लीट बॉडी का, लोअर बॉडी देन बिलो नेक, उसका धन्यवाद कीजिए और उस वाइट लाइट को पूरी बॉडी में, नेक के बिलो फ्लो होते हुए देखिए और उसको महसूस कीजिए। आपका हर ऑर्गन,
आपकी बॉडी का हर पार्ट, हर मसल, हर बोन, आपका ब्लड, बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब वाइट लाइट से कवर, सब हील हो रही हैं। अब धीरे धीरे से एनर्जी को एक्सपैंड कीजिए अपने नेक में, बैक ऑफ योर नेक, फेस, आपका हेड, इवन आपके बाल, इन सब का धन्यवाद कीजिए। अपनी कंप्लीट बॉडी का धन्यवाद कीजिए। शरीर है तो आप हैं। ये मीडियम है जिसके थ्रू आप सब कुछ कर रहे हैं। हीलिंग एनर्जी को, वाइट लाइट को अपने पूरे शरीर में फ्लो करते हुए देखें, आपके शरीर को रिलैक्स और हील करते हुए महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे इस वाइट लाइट को अपनी बॉडी के बाहर एक्सपैंड कीजिए और अपने पास्ट को, आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आज तक जो भी हुआ है, जितने भी लोगों से आप मिले, जिसने भी आपके साथ अच्छा किया है, बुरा किया है, जिसके साथ भी किसी भी तरह के आपकी एनर्जी कनेक्टेड है, इस वाइट लाइट को हर एनर्जी में, अपने पास्ट में पूरी तरह से फ्लो करता हुआ देखिए। आपका पूरा पास्ट हील हो रहा है। सारी एनर्जी ब्लॉकेजेस हील हो रही हैं। सारी उलझने सुलझ रही हैं। आपकी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी सिचुएशंस आई हैं, सबका धन्यवाद कीजिए। अच्छे बुरे सब ने आपको लर्निंग में मदद की है। अगर कोई भी इमोशन आपने होल्ड किया है, किसी भी एनर्जी को होल्ड किया है, उसको लेट गो कीजिए, माफ़ कीजिए, सारे कॉर्ड्स हील कीजिए। इस वाइट लाइट को आपके पूरे पास्ट में एक्सपैंड और हील करता हुआ देखिए। अब इसी वाइट लाइट को प्रेजेंट में अपने आज में ले आइए। इस वाइट लाइट के बीच में से एक बहुत खूबसूरत गोल्डन डोर, उसे खुलता हुआ देखिए। डिवाइन का, अपनी बॉडी का, मदर अर्थ का, सब लोग जिनसे आप मिले हो, हर एनर्जी का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए इस गोल्डन डोर का जो आपकी ज़िंदगी में ओपन हो रहा है। और उस गोल्डन दरवाजे से अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अच्छी एनर्जी और वो हर चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हर अच्छी चीज़, उसको आता हुआ देखिए।
अपने आप का और अपने आसपास की सारी एनर्जीज का धन्यवाद कीजिए। जो भी आपके पास है या नहीं है, हर चीज के लिए डिवाइन को धन्यवाद दीजिए। धीरे धीरे इस वाइट लाइट को फिर से अपने शरीर में फ्लोट होता हुआ देखिए। अपने ध्यान को अपने शरीर पे ले आइए। आपका शरीर हील्ड है, बेहतर है, बैलेंस्ड है। आपका मन बेहतर है, बैलेंस्ड है। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी ओपन है। एक ब्यूटीफुल वाइट ऑरा अपने आसपास देखिए। आप इसी एनर्जी को महसूस करते हो। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको सोचिए और उसकी मेडिटेशन कीजिए, या अर्थ को हीलिंग भेजिए, कल्कि को पावर भेजिए और अर्जुन एनर्जी को अवेकन कीजिए, ताकि सब लोग कल्कि को पहचान पाए, कल्कि को अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता हुआ देखिए। अब धीरे धीरे अपने हाथ की दोनों हथेलियों को मलिए एक दूसरे के साथ। आपने अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखना है, फिंगर्स को नहीं, हथेलियों को अपनी आंखों पे रखना है और अपनी हथेलियों के बीच में अपनी आंखें खोलनी है। हथेलियों को अपनी आंखों पे रखिए और अपनी आंखें खोलिए और धीरे धीरे हाथ हटा लीजिए। ओके बच्चों, ब्यूटीफुल सन एंड कनेक्टिंग एनर्जी। सो आई होप दैट आपको रिलैक्स्ड फील हुआ होगा, आपको बेहतर फील हुआ होगा, आपकी एनर्जीज ज़्यादा बेहतर हुई होंगी।